सुपर स्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। दरअसल एक शख्स ने गौरी खान समेत तीन लोगों के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज करवाई है। गौरी के खिलाफ ये केस IPC की धारा 409 के तहत दर्ज की गई है। मुंबई निवासी जसवंत शाह नाम के एक शख्स का आरोप है कि जिस कंपनी तुलसियानिया कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड की गौरी ब्रांड एम्बेसडर है, उसने 86 लाख रुपए चार्ज करने के बावजूद उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं दिया है। उस शख्स ने गौरी पर पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए लखनऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फैमिली मैन एक्टर मनोज वाजपेयी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुलमोहर की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। बीती रात फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां मनोज अपनी पत्नी नेहा के साथ स्पॉट हुए। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग नेहा की खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। वहीं कुछ फैंस ने उन्हें शनाया कपूर बताया है। अभी कार्तिक आर्यन के फैंस भूल भुलैया 2 की खुमार से उतर नहीं पाए थे। इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी है। भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है। कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म का टीजर रिवील किया है, साथ ही टीजर रिवील कर अपने फैंस को सरप्राइज भी कर दिया है। फिल्म के टीजर की शुरुआत कार्तिक आर्यन के किरदार रूह बाबा के साथ शुरू होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी कार्तिक दर्शकों को डराते और हंसाते हुए नजर आएंगे। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 से कुछ दिन पहले RRR को अमेरिका के लॉस एंजलिस में री रिलीज करने की तैयारी है। यहां के एक थिएटर में चंद घंटों में फिल्म के 1600 से अधिक टिकट बिक चुके हैं। पूरा थिएटर हाउसफुल हो चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद कपूर ने अपने एक्टिंग की शुरुआती दिनों की याद करते हुए बताया कि उन्हें अपने चॉकलेट बॉय वाली इमेज बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, शाहिद ने कहा कि उन्हें खुद के लिए क्यूट शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।